आज मैं कर रही हूँ ये वाला मेकअप लुक, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। किसी भी पार्टी फंक्शन पे कर सकते, किसी भी फेस्टिवल लुक पे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है ये। सबसे पहले टोनर लगाए थे मैंने, टोनर के बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, मॉइस्चराइजर के बाद मैंने ले लिया फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरा जूडियो का है जो ऑफलाइन लिया था, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया मैंने। तो इसको अच्छे से गीला करके, ब्लेंडर को गीला करना है आपको वाटर के साथ, एंड देन अच्छे से डैप डैप करके इसको जितना भी आप ब्लेंड करके उतना अच्छा आपका मेकअप का जो फिनिशिंग है वो आएगा। तो इस तरह से अच्छे से फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर लूँगी। हाँ, मेरा फाउंडेशन है जो फ्रेंड्स वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल। ये देख सकते हैं ये मेरी आईब्रो भी फिल हो चुकी है। जो मैं मेकअप कर रही हूँ बिल्कुल एकदम नेचुरल सा आएगा मेरा जो मेकअप लुक है। तो क्योंकि मैंने लाइट देख सकते हैं, मेरा आईब्रो है जो बिल्कुल परफेक्ट एकदम लिया है। ये 925 लैक्मे का कंसीलर है मेरे। तो कंसीलर भी मेरा अप्लाई हो चुका है। इसको अच्छे से जहां पे मैंने कंसील किया है वहां पे डैप डैप करके इसको ब्लेंड करना है, सब जगह नहीं फैलाना है इसको। तो इस तरह से देख सकते हैं जो मेरा कंसीलर है वो भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। देन इसको अपर आईब्रोज पे, अपर यहाँ पे भी करना है आपको, जिससे हमारी आईब्रोज है ना वो अच्छे से क्लियर दिखेंगी। ऐसे कंसीलर वहाँ पे इसको इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कंसीलर है वो अच्छे से। अब मैं करूंगी आई मेकअप। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपनी साड़ी, जितने अच्छे से हो सके उतना अच्छा ब्लेंड करिए आईज पे, तो हमारा जो शैडो का लुक है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। वो है जो बिल्कुल भी अलग सा नहीं दिख रहा है, एकदम से ब्लेंड हो इसकी मैचिंग क्या। मैं दूसरा शैडो लाइट पिंक सा मैंने दूसरा शैडो ले लिया, उसको भी अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैंने ले लिया इसमें से ब्लू कलर, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फिंगर की हेल्प से इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। देन इसके बाद मेरा आई मेकअप है जो मुझे लाइट करना था, नेचुरल मेकअप लुक। तो इसके बाद मैंने गोल्डन अप्लाई किया, गोल्डन शैडो वो भी लाइट किया है मैंने। तो इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। लाइनर इसको भी अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने विंग लाइनर लगाया है इस तरह से। तो इसके बाद मैं लोअर लाइन पे भी लाइनर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरा यहाँ पे लाइनर भी कंप्लीट हो चुका है। लूज पाउडर अप्लाई ऐसे, तो जितना भी हमारा जैसे शैडो है वो फॉल हुआ होगा तो वो क्लीन दिखने लगेगा ऐसे। तो
तो यहाँ पे मेरा सेट हो गया होंगी। देन जो डबल चिन है आपका दिखता है, तो उस पर अगर डबल चिन नहीं दिखाना है आपको तो ये कंटूरिंग कर सकते हैं, तो उससे हमारा जो डबल चिन है वो नहीं दिखता है, तो यहाँ पे मैं चिन पे कर लूंगी। और इसको मैं नोच पे भी करूंगी, नोच को शार्प दिखाने के लिए, पतला दिखाना हमें ऐसे। और इसको उसी जगह पे ही ब्लेंड करना है जहां पे हमने कंटूरिंग अप्लाई किया है। एक दूसरा ब्रश ले लेती हूँ मैं और उससे कंटूरिंग को कर लूंगी। ऐसे सर्कल मोड पे आपको उसी जगह पे ऐसे ब्लेंड करना है। ये मेरा जो यहाँ का है ब्लेंड हो चुका है, चीक पे भी। मुझे तो नोज पे जस्ट ऐसे ये और ये लाइन आपको दोनों पे दिखाना है ऐसे, तो जितना अच्छे से एक ही जगह पे ब्लेंड करते हैं। मेरा नोज है जो काफी पतला सा दिखने लगा है, तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना। आपको चेंजेस लग रहा होगा कंटूरिंग करने के बाद फेस कितना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ब्लश कर लेती हूँ। ब्लश करने के लिए आपको इस टाइप का पतला ब्रश चाहिए, ऐसा फ्लैट होता है ये ब्रश। ब्लश या हाइलाइटर के लिए आपको ये, यहाँ पे मैं ब्लश कर लेती हूँ। आपको ऐसे ब्लश कर लेना। आपको ब्लश ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप ब्लश लगा सकते हैं। कम चाहिए तो आप कम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं मेरा जो ब्लश है वो भी कम्प्लीटेड डन है। इसके बाद मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। हाइलाइटर भी आप फ्लैट ब्रश से ही अप्लाई करिए तो इतने अच्छे से अप्लाई हो जाएगा ये। हाईलाइट मतलब जितने भी हाई पॉइंट एरिया है उस पे हाइलाइटर करते हैं, मतलब हाई पॉइंट एरिया पे हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे मस्कारा भी अप्लाई कर लूंगी। अपर एंड लोअर लाइन दोनों पे अप्लाई करना है। ये देख सकते हैं, तो आपको लैशेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं लैशेस को। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी लैशेस। तो मेरे पास है फॉक्स मिंक आई लैशेस है, तो इस तरह से इसको भी अप्लाई कर लूंगी। देन इसको ग्लू लगा के ऐसे आपको मोड़ के रखना है ओनली 15 सेकेंड के लिए ऐसे। और देन हमारी जो फॉल्सेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। दिन इसके बाद मैं इसके अनुसार दूसरा शेड अप्लाई करूंगी। यहाँ पे ममार्थ का ले रही हूँ मैं रेस्पबेरी, ये है 07। दो साइड मैंने लिपस्टिक लगाई है, एक पिंक था और देन इसके बाद 07 ममार्थ का ये लगा लिया मैंने। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोग को प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ साउथ इंडियन स्टाइल भी मैंने ये वाला मेकअप लुक किया है,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइज़।